हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैप्टन पंजाबी रसोई में। आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा। सबसे पहले हम बनाएंगे कड़ी में डालने के लिए पकौड़े। हम एक कटोरी बेसन लेंगे और उसे बड़े बॉल में डालेंगे। उसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च, 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1 मीडियम साइज में कटा हुआ प्याज डालेंगे और ये बारीक कटे हुए आलू। हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें पानी ऐड करेंगे। मेक श्योर पानी की क्वांटिटी उतनी डालें कि ये पकोड़े का मिक्सचर थोड़ा थिक ही रहे। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई लेंगे और उसे गरम करेंगे। गरम होने पर उसमें 1 कटोरी ऑयल डालेंगे। ये देखिए, हमारा ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें हाथ से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उठा के ऑयल में डालते रहेंगे। इसे ऑयल में डालते समय आराम से छोड़ें ताकि ऑयल के छींटे आपके हाथ पे ना पड़े। इन पकौड़ों को हमने डीप फ्राई करना है, तो इसे अगर हम धीमी आंच पे पकाएंगे तो ये पकौड़े अच्छे से अंदर तक पकेंगे। इसे टाइम टू टाइम पलटते रहें। ये देखिए, इसकी एक साइड पक गई है। हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं और अब हम कड़ी बनाएंगे। हम फिर से एक बॉल में 1 कटोरी बेसन लेंगे, उसमें 1 कटोरी फेटी हुई दही डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अगर आप खट्टी दही का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कड़ी काफी अच्छी बनेगी। बेसन अच्छे से दही के साथ मिक्स होना चाहिए। नॉनस्टिक कढ़ाई लेंगे और उसे गरम करेंगे। गरम होने पर उसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ये देखिए, हमारा ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें तेज पत्ता डालेंगे, 2-3 साबुत लाल मिर्च और उसे थोड़ा पका लेंगे। एक चम्मच मेथी दाने डालेंगे, 1 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे और इसे भी थोड़ी देर पका लेंगे। अब इसमें लंबा कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे भी भून लेंगे। आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच गरम मसाला, नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। ये देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और थोड़ी देर और पकाएंगे। ये हमारा मसाला एकदम रेडी हो गया है। अब हम इसमें तैयार किया हुआ बेसन और दही का मिक्सचर डालेंगे। डालते समय इसे हिलाते रहें ताकि इसमें क्लॉट्स ना बने। इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और पकाएंगे। इसमें पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं कि आपको कड़ी कितनी थिक चाहिए। इसे टाइम टू टाइम हिलाते जरूर रहें। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये उबलने ना लगे।
ये देखिए कड़ी में उबाला आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें हमारे तैयार किए हुए पकौड़े डालेंगे। मिक्स करके इसे भी 10 मिनट तक पकने देंगे, जब तक अच्छे से उबलना ना शुरू हो जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कड़ी उबलना शुरू हो गई है। ये अब खाने के लिए एकदम तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैप्टन पंजाबी रसोई में। आज हम बनाएंगे कड़ी पकौड़ा। हम एक कटोरी बेसन लेंगे और उसे बड़े बॉल में डालेंगे। उसमें हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च, 1/4 टेबलस्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1/4 टेबलस्पून गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। 1 मीडियम साइज में कटा हुआ प्याज डालेंगे और ये बारीक कटे हुए आलू। हम इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें पानी ऐड करेंगे। मेक श्योर पानी की क्वांटिटी उतनी डालें कि ये पकोड़े का मिक्सचर थोड़ा थिक ही रहे। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा ये मिक्सचर काफी थिक है। अब हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई लेंगे और उसे गरम करेंगे। गरम होने पर उसमें ऑयल डालेंगे। ये देखिए, हमारा ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें हाथ से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उठा के ऑयल में डालते रहेंगे। इसे ऑयल में डालते समय आराम से छोड़ें ताकि ऑयल के छींटे आपके हाथ पे ना पड़ें। इन पकौड़ों को हमने डीप फ्राई करना है, तो इसे अगर हम धीमी आंच पे पकाएंगे तो ये पकौड़े अच्छे से अंदर तक पकेंगे। इसे टाइम टू टाइम पलटते रहें। ये देखिए, इसकी एक साइड पक गई है। हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं। अब हम एक नॉनस्टिक पैन गरम करेंगे। गरम होने पर उसमें 3 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। हमारा ऑयल गरम हो गया है। इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, लहसुन और अदरक ऐड करेंगे। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पकाएंगे। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे पकाएंगे। देखिए, ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर गलने में थोड़ा समय लेता है, तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए, मसाले ने थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ दिया है। इसका मतलब हमारा मसाला पकने लगा है। इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं।
अब इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच हल्दी ऐड करेंगे और ये नमक स्वाद अनुसार। इसमें ऐड किए हुए मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक और पकने देंगे। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, इसे 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए ये उबलने लग गया है। अब हम इसमें तैयार किए हुए पकौड़े डालेंगे। मिक्स करने के बाद हम पैन को ढकेंगे और मीडियम आंच पे पकाएंगे। ये देखिए पकौड़े अच्छे से मिक्स हो गए हैं मसाले में और ये हमारी पकौड़े की सब्जी तैयार हो गई है।